हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, ये वैसे तो क्लास आपकी सैटरडे फ्राइडे होगी, राधे रीजनिंग। ये जो वीडियो है ये आपका प्रमोशनल वीडियो है, ठीक है। ये प्रमोशनल वीडियो है अबाउट बैचेस, ये बैचेस के बारे में है। तो ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है जो दे वॉन्ट कि बैच रीजनिंग का बैच या कंप्लीट बैच या पजल का बैच, इफ़ दे वॉन्ट, तो इसलिए वॉन्ट टू ज्वाइन, तो उनके लिए बैच ये पर्टिकुलर वीडियो है जिससे कि उनको बताया जा सके, इंफॉर्मेशन दी जा सके। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है, क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ गाइस, तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा वो फ्राइडे एंड सैटरडे में आपका क्लास होगा, तो उसमें मैं पढ़ाता ही ऑब्वियसली पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। बाकी कुछ हमारे बैचेज होते हैं जो चलते हैं फैकल्टीज के तौर पर, तो वो इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन क्यों है उसका भी रीज़न है। जैसे मेरे अभी करंट में जो रिसेंटली जो स्टार्ट हुए हैं, एक तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ राधे की रीजनिंग कंप्लीट बैच है, इट्स फॉर एस बी एंड ऑल, ये स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी, ठीक है। तो 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, इसमें बैच ये चल रहा है। मॉर्निंग इसका क्लासेस होता है, मॉर्निंग 8 to 9:30 इसका क्लास होता है, 8 to 9:30 है ये कंप्लीट बैच है। और इसका प्रीवियस लिंक, वीडियो लिंक मिल ही जाता है जब भी आप ज्वाइन करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ राधे की रीजनिंग बेसिक टू एडवांस पजल बैच, पजल इन सिटिंग अरेंजमेंट। एक जैसे समबड़ी वॉन्ट टू ज्वाइन योर पजल बैच, पजल इन सिटिंग अरेंजमेंट बैच, तो उनके लिए है, हाँ, ठीक है। तो ये जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरा सारे टॉपिक्स पे कमांड है बट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा इफ़ दे फील कि वीक एंड ऑल, वो वीक फील करते हैं या उनको लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस की और ज़रूरत है या उनको एक और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत है या अप्रोच की ज़रूरत है, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे मेरा ये 5th बैच है पजल का, मेरे ऑलरेडी 4 बैच हो चुके हैं। सो एक पजल का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो फोकस मैं कर रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस फॉर अपकमिंग SBI, LIC, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए, LIC AO उसके एग्ज़ाम के लिए प्री टू मेंस ना, तो फोकस है प्री टू मेंस। तो प्री टू मेंस में जो भी चीज़ें होंगी उनको ध्यान में रखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ पजल्स, ऑल टाइप ऑफ पजल्स, राइट। तो वो बैच स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च 2019, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ। और ये इंफॉर्मेशन क्यों है, इसमें एक चीज़ और है, तो ठीक है गाइस, तो इंफॉर्मेशन उसके लिए प्रमोशनल वीडियो है, सिंपल है। तो वही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे होंगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि राधे की रीजनिंग जो आपका एक बेसिक टू एडवांस पजल का बैच है वो आपके हाथ से ना निकल जाए ये चीज़ है, क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि सीट भी बुक हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम वो चीज़ें हैं कि फर्दर उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, उसमें स्टोर से हटा दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग फिर पूछ रहे होते हैं, जैसे बैच आगे निकल गया, आगे निकल गया, डेट निकल गई, फिर कहते हैं कि मेरे को ज्वाइन करना था, ज्वाइन करना था, तो उनके लिए, ठीक है, ये उनके लिए है। तो क्या है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बैच है, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, प्री प्लस मेंस है, ये मैंने बता दिया। और अप्रॉक्स इसमें जो आर्ट्स की अगर मैं बात करूँगा तो अप्रॉक्स होगा इसमें 25 to 30 आर्ट्स का इसमें बैच होगा ये, ठीक है। इसमें सारा पजल सिटिंग कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि जितने ही बैचेज हैं अभी होली जो डिस्काउंट है वो दिया गया है, उसका जो 25% डिस्काउंट है। जैसे इस बैच का जो फीस है, आई थिंक, हाँ, इस बैच का जो फी है वो कितना है, 2199, ये इसका फी है 2199। अब इस पर क्या है, 25% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कौन सा कोड यूज़ करते हैं, होली 25, होली HOLI, होली 25 अगर आप यूज़ करते हैं, यू विल गेट 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच इज 2199 एंड आई विल कवर ऑल टाइप ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इन दिस बैच, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और इट्स अबाउट 25 to 30 आर्ट्स, एंड द मेन चीज़ इज कि यू विल गेट 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये, बट ये कि 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच का जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपका इसका है
2999 इसका कॉस्ट है, उस पर भी 25% डिस्काउंट लगेगा, तो आप जानते ही हैं कि कितना पड़ेगा। तो वो कंप्लीट बैच के लिए, ये पजल बैच के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है गाइज, तो ये इन्फॉर्मेशन है, और जो इंटरेस्टेड है बिल्कुल वो इस डिस्काउंट कोड का यूज़ करें और ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टोर से एक बार दिखा भी सकता हूँ, कंप्यूटर जी क्या हम दिखा पाएंगे स्टोर से? हाँ, तो ये आपका store@247.com है, store@247.com, यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लास पे आप जाओगे, क्लिक करोगे। सो क्लिक करने के बाद हाँ, सेकंड रो में थर्ड नंबर का है राधे की रीजनिंग कंप्लीट पजल बैच, कंप्लीट एडवांस पजल सिटिंग अरेंजमेंट बैच है, कॉस्ट इज 2199, ओके, 25 आवर्स प्लस हाँ क्लासेज होंगी, 30 आवर्स भी हो सकता है। तो ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और डिस्काउंट कोड इसमें होली चल रहा है अभी, जो आज है डिस्काउंट है चल रहा है, तो ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। इस पर एक बार वापस आते हैं, क्या पूछ रहे हैं मेरे से, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, क्या बोला, बैच के बाद पजल में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? हाँ, मेरे हिसाब से ज्योति नहीं आनी चाहिए, भंडारी जी, ज्योति भंडारी जी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले पढ़ा है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस यही है कि जब आप चीज़ों को अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है और अच्छी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग तो सभी में है, तो फिर बस डायरेक्शन सही मिलती है और प्रैक्टिस होती है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो हो जाएगा। मोहन मीना, मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल हिंदी में, बायलिंगुअली ऐसे ही समझाऊंगा, क्वेश्चन हिंदी के लिए मैं पर्सनली आपको हेल्प करूँगा। तो उसमें क्या होगा कि वैसे तो हम कंटेंट इंग्लिश में होता है, बट मोहन मीना आपकी जैसे रिक्वेस्ट पे मैं फिर कुछ क्वेश्चन आपको मेल के थ्रू सेंड करूँगा, जैसे मैं करता भी हूँ कुछ बच्चों को, तो वो चीज़ें हैं। सस्मिता टेकन SBI PO लाइव बैच, तो अच्छी बात है सस्मिता, तो दैट्स गुड एनफ कि आप उस बैच में हैं, अच्छी बात है, ठीक है। नो इट्स नो नीड, बट इफ़ यू वॉन्ट फॉर मोर प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स यू कैन, और इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू फील कि आपका थोड़ा ठीक हो चुका है लेवल, तो यू डोंट वॉन्ट, ठीक है। तो सैलजा कह रही हैं, सर मैंने ज्वाइन कर रखा है आपका बैच, इट्स ऑसम, थैंक यू सैलजा, यू फील ऑसम, अच्छी बात है। सो गाइज, यहाँ पे आलोक सर ने शेयर भी किया है, एक लिंक भी शेयर किया है, तो आप इस लिंक के थ्रू आप जो है इस बैच को मतलब अवेल कर सकते हैं, और 25% डिस्काउंट इज यस, ये मैटर करता है, आप ये मत देगा ना कि इफ़ यू वॉन्ट, सीधी सी बात है, हमें तो नहीं पता किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो अपना तो बट यही है कि एक फैसिलिटी होती है कि भाई पजल के बैच आया तो पजल के बैच ऑफकोर्स उसके फिर जैसे क्या होगा कि 2 महीने लग ही जाते हैं, जैसे मेरा पजल के बैच खत्म होगा तो मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यूसली ऐसे ही होता है। अब सपोज करो मैंने पजल का बैच स्टार्ट किया, SBI की वैकेंसी अपकमिंग है ही, हो सकता कल परसों में कभी भी आ जाए, होली के बाद आ जाए मे बी। अब सपोज करो 28 मार्च से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर अब 5 अप्रैल को SBI PO की वैकेंसी आई, फिर आपने मन किया यार पजल मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, मैं क्यों रिस्क लूँ, मेरे को चांस क्यों लेना है, मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, मेरे को अच्छा करना चाहिए, फिर अब वेट करते रहो, फिर आप उस जगह पे जाके भिड़ जाओगे जिनका अप्रोच के लिए नहीं होगा, मे बी ऐसा हो सकता है। तो वो आपका मन है कि आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। यस गाइस, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं तो यही कहूँगा कि इट्स अ अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू आर इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर SBI PO एंड ऑल। सो आई विल कवर ऑल द लेवल्स, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं सारा लेवल कवर करूँगा, और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आपके एक डर को, जो आपके अंदर डर है पजल को लेकर, एक फोबिया बना हुआ है एक सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, और कुछ समय के बाद फिर आप पजल से लव करोगे सिटिंग अरेंजमेंट से, है ना। तो यहाँ पे लेवी जी कह रही हैं कि गाइज आई एम सेइंग इफ़ यू टेक एडमिशन यू नॉट रिग्रेट इट, राधे सर ऑसम, थैंक यू सो मच लेवी, थैंक यू सो मच, अच्छे लोग भी हैं ड्यूड, नहीं इट्स ओके। देखो मेरा क्या है, यूट्यूब पे क्लासेस हैं ऑलरेडी, जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेड एंड योर यूट्यूब सेशंस, सो यस देर इज़ अ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफकोर्स रहेगा, बिकॉज जो कि पेड में होता है तो हम ये सारी चीज़ें सिंसियरिटी होती है, सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं और हम भी सिंसियर होते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि कोई भी पैसा दे के आया है यार उसने ज्वाइन किया है, तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो हम उसी तरह से उसमें डेडिकेशन के साथ बेसिक टू एडवांस लेके पढ़ाते ही हैं। बट यूट्यूब पे क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए हम मिलते हैं, अवेलेबिलिटी होती है, एंड वहाँ पे बेसिक टू एडवांस कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिंसियरिटी का भी सवाल होता है। समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट का जो मेजोरिटी है
वो उनका सामने से कहते हैं अच्छी ऑडियंस होती है तो आपका एक स्पीच अच्छा जाता है, तो वो वाली चीज़ें मैटर करती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, ठीक है। टाइम क्या रहेगा क्लास का, हरिओम, इसमें दो टाइम रहेंगे, मॉर्निंग इवनिंग, एक दिन में दो टाइम स्लॉट रहेगा इसमें, मॉर्निंग इवनिंग। एक्स्ट्रा क्लासेस का भी रहता है समटाइम, बट मॉर्निंग इवनिंग रहेगा एक, आई थिंक इसमें मॉर्निंग रहेगा एक इवनिंग रहेगा, दो टाइम स्लॉट रहेगा, एक 5 से 6 रहेगा इवनिंग में और एक मॉर्निंग में रहेगा आपका, मॉर्निंग में 11 से 12 रहेगा आई थिंक, 1 से 2, 1 से 2 रहेगा। ओके शिखा जी, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, हम बेस्ट नहीं, बेस्ट तो आप लोग हैं जो इतना हिम्मत से तैयारी करते हैं, बेस्ट आप हैं। हम तो कहते हैं कि एक माध्यम के रूप में आप लोग बेस्ट हैं, जो इतना पेशेंस के साथ आप तैयारी करते हैं और आपके सामने जो परेशानी है, हर्डल्स हैं, उनको आप दूर करते हैं और फिर लगातार फिर मेहनत करते हैं, फेल होने के बाद फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। यू आर बेस्ट, वी आर नॉट बेस्ट, यू आर बेस्ट। शैलजा जी कह रही हैं, शैलजा जी कह रही हैं, आर के आर बैच में ज्वाइन किया हुआ है मैंने, बेस्ट एवर बेस्ट, सब कुछ इतना अच्छा पढ़ाया है, कांट डिफाइन वर्ड्स, थैंक्स सर, ओ माई गॉड। शैलजा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोशिश यही रहती है हमेशा, कोशिश तो यही रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बात अलग है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि यू फील बेटर एंड आपके एग्जाम क्लियर हो, आपकी चीज़ें इंप्रूव हो और आप आगे बढ़ें। सो ये इंफॉर्मेशन थी यार, मैं इमोशनल करने की जरूरत, इमोशनल नहीं होना है इधर ये यूट्यूब लाइव है, इमोशनल हम हो जाते हैं पेड बैचेज में, वहाँ हो जाते हैं अपने बैचेज में, हो जाते हैं कुछ सारे कंसर्न स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक टू एडवांस से पूरा पजल का बैच है गाइस। और अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिन्होंने मेरा लास्ट ईयर बैच ज्वाइन किया था, उनके मन में कंसर्न है कि वो ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी कल। तो क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे हम प्रैक्टिस से थोड़ा आउट हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अगर आपका एक मन है कि भाई मेरे को लगातार SBI POB करना है, अच्छा और अच्छा करना है, तो पजल सिटिंग क्या को लिमिट नहीं है, तो आप लगातार अच्छे एफर्ट्स बिल्कुल लगा सकते हैं और बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जो पहले भी रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अंडर गाइडेंस या लगातार आप टच में रहते हैं तो पॉजिटिविटी, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है ना, उसकी बात ही अलग होती है, एक मोटिवेशन एक बात ही अलग होती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट, मोटिवेशन मैटर्स अलॉट, वो मैटर करता ही करता है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट है बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, उसको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा, उस पर नए क्वेश्चन भी मैं ऐड करूंगा, आई विल ट्राई, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रहे, 28 तारीख के लिए वेट कर रहे हो ना, जैसे वेट कर रहे हो कि मेरे को 28 को ही ज्वाइन करना है, तो यार उसके लिए सॉरी, हो सकता है कि सीट फिल हो जाए, मे बी बिकॉज एक ऐसा हो चुका है अभी, आर के आज मेरा बैच है, जैसे शैलजा ने बताया, वो हमने उसमें एडमिशन स्टॉप कर दिए थे क्योंकि उसमें सीट सीरियसली डबल हो गई थी, मतलब फिल हो गई थी। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, वो चीज़ आप ध्यान में रखना, ऑलरेडी इसमें है एडमिशन, मैंने पता नहीं किया है, मैंने पता नहीं किया, बट एक बार तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक है और डिस्काउंट भी है, कहते ना कि चीज़ें भी हैं, माइंडसेट भी है, बंदा भी ठीक है सामने वाला, टाइम भी है, तो व्हाई नॉट, ये वाली बात है, व्हाई नॉट। सो फिर गो फॉर इट, सिंपल, पढ़िए और मस्त एकदम अच्छा करिए। ओके राधे राधे। हाँ इमोशनल तो हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मैथ्स थोड़ी कराएंगे यार, कैसे बात करो पारस भैया, हम तो वो क्या कहते हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग पजल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ तो आलोक सर ने शेयर किया, आलोक सर बड़े अच्छे आदमी हैं, वो शेयर कर रहे हैं आपको लिंक, बार बार बता रहे हैं कि भैया अपने दिल की बात को बाहर लाओ और ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो गाइज क्लियर है। और हाँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मस्त आप होली मनाएं, और ज़िंदगी में कलर बिल्कुल होना चाहिए, कलर बिल्कुल होना चाहिए यार, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हाय रे क्या हो गया, हाय रे मेरा क्या हो गया, नो नो नो, मस्त रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, आगे बढ़ने की जितनी भी कोशिश है वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और चीज़ें 100% आपके लिए संभव होंगी, 100% संभव होंगी, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रही बात। कहते ना कि जैसे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी इल्जाम है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी इल्जाम है, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, शुड फाइट, फाइट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी होली, हैप्पी होली।